तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से आपका नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मैं अराउंड 7:30 को उठा था आज, बिकॉज फील्ड पे जाना है तो आराम से आधा घंटा थोड़ा लेट उठा और 7:30 बजे उठा। 8:15 तक नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो चुका था। तो अभी चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करके रेडी रहेंगे हम लोग। मैं एक्चुअली जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका वेट कर रहा हूँ। जो हमारा इंस्टॉलेशन का लोकेशन है वो बनियास में ही है, बट कौन सी बिल्डिंग और कौन सा जो ऑफिस है उसका वेट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, जब वो लोकेशन आ जाएगा फिर हम लोग निकलते हैं, फील्ड पे जाएंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे और उसके बाद 1-2 घंटा कोल्ड कॉलिंग करेंगे आसपास कुछ, उसके बाद फिर सीधा ऑफिस के लिए निकलेंगे। सो चलते हैं, अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट बनाते हैं और फिर निकलेंगे फील्ड पे। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन वहाँ बनिया से वहाँ पे मुझे जाना है। और ऐसा कुछ है यहाँ पे मॉर्निंग 8:30 का व्यू, हवा चल रही है मगर गर्मी भी बहुत हो रही है। तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करके रेडी रहता हूँ, फिर लोकेशन आते ही निकलते हैं फील्ड पे। सो यार गाइस, अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, चलते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं अपने फील्ड के लिए। सर गाइस, मैं निकल चुका हूँ शरफ डीजी मेट्रो की ओर, निकल चुका हूँ। सामने शरफ डीजी मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो लेते हैं और निकलते हैं बनियास के लिए। सर गाइस, मैं आ चुका हूँ एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन के पास और ये चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ है एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे सामने मेट्रो चेक कर सकते हैं। और उसके उस साइड है एयरपोर्ट, वो देखें वहाँ पे एयरपोर्ट दिख रहा है आपको। बाकी वेट कर रहा हूँ मेरे कलीग का, वो आते हैं तो यहाँ से हम लोग कार लेके शारजा जाएंगे। शारजा में इंस्टॉलेशन है और उमल क्वीन में। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे माहौल चेक कर सकते हैं आप, गर्मी बहुत है यार गाइस। जैसे शेड के नीचे रुका हूँ मैं, यहाँ पे कार की शेड है। तो चलते हैं, वेट कर रहा हूँ, वो भाई आ जाते हैं तो उसके बाद उनके साथ कार में निकलते हैं। ऑलरेडी 2:24 हो चुका है, खाना भी नहीं खाया अभी तक, लेट्स सी कब तक आते हैं वो। बाकी मेरा इंस्टॉलेशन बनियास में हो गया था तो मैं सीधा मेट्रो पकड़ा, वीडियो नहीं बनाया, सीधा मेट्रो लेके मैं इधर आ चुका हूँ एमिरेट्स में। सो चलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। सो यार गाइस, मैं निकल चुका हूँ दुबई से और अभी शारजा और दुबई के बॉर्डर पे हूँ मैं, बीच में लगभग शारजा पहुँच गया हूँ समझ लो। सो चलते हैं, आज बहुत लंबा दिन निकलने वाला है बिकॉज 4-5 इंस्टॉलेशन है, एक मीटिंग है, 1-2 बायोमेट्रिक है। सो फटाफट चलता हूँ, सब काम ख़त्म करता हूँ और आप लोग से मिलता हूँ। सो यार गाइस, मेरे 2 इंस्टॉलेशन तो ख़त्म हो चुके हैं और इस वक्त मैं शारजा स्टेडियम के पास हूँ और ये वेयर हाउसेज है यहाँ पे, सामने देखें शारजा स्टेडियम है वहाँ पे। यहाँ पे यूएई में जब आईपीएल हुआ था तो यहाँ पे मैचेस होते थे, ये वही स्टेडियम है। सो अभी चलते हैं, बचे हुए 2-3 इंस्टॉलेशन है वो फिनिश करता हूँ और देखते हैं फिर फटाफट यहाँ से निकलते हैं शारजा से, वरना शाम को ट्रैफिक बहुत हो जाती है यहाँ पे। तो सब इंस्टॉलेशन यहाँ का काम ख़त्म करके यहाँ से निकलता हूँ। श्योर गाइज, मेरे सारे काम ख़त्म करके, सारे नहीं शारजा के सब काम ख़त्म करके मैं अभी कार में वेट कर रहा हूँ भाई का। भाई गए वहाँ पे, सब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है शारजा की, यहाँ पे वहाँ पे सामने पूरा देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं, सभी लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स की शॉप्स है, सेकेंड हैंड लैपटॉप्स कंप्यूटर्स मिलते हैं यहाँ पे। तो एक ऑफिस का हमारा कंप्यूटर था वो रिपेयर करने के लिए दिया था, वो गए लेने और वहाँ पे वो लेन में उनका लैपटॉप दिया था उन्होंने रिपेयर करने के लिए, वो वहाँ से लेंगे, वो वहाँ पे वहाँ से वो कंप्यूटर लेंगे फिर वो लेके आएंगे। फिलहाल मैं कार में वेट कर रहा हूँ उनका बिकॉज यहाँ पे पार्किंग का इशू है। तो यहाँ पे अगर आप कार बंद करके जा रहे हो और आपने कार पार्किंग नहीं की तो आपको फाइन आ जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने मुझे कार में रखा है और हमने विंडो ओपन रखा है दोनों साइड, ताकि जो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे आते रहते हैं, जो पार्किंग के लिए रहते हैं शारजा के, तो वो चेक करते रहेंगे। अगर कार में कोई बैठा है, पार्किंग नहीं है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कार में कोई नहीं है और कार पार्किंग भी नहीं की हो तो वो फाइन दे देंगे आपको। तो ये स्टोरी है यहाँ की अब तक की। और मैं वेट कर रहा हूँ, गाने वाने सुन रहा हूँ अपना ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। फिलहाल 7 बज चुके हैं, अभी एक लास्ट इंस्टॉलेशन बचा है जो कि है दुबई में अबू हिल में। सो आज घर पे जाने के लिए बहुत लेट होने वाला है। फिलहाल ये सब भाई करके आ जाते हैं फटाफट काम, तो निकलते हैं यहाँ से शारजा से दुबई के लिए। सो यार गाइस, आधा घंटा हो चुका है, भाई आए थे कंप्यूटर रख के रिपेयर करके गए, अब वो अपना लैपटॉप लेने गए वहाँ पे सामने। और इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना गाइस यहाँ पे पूरे शारजा के एरिया में, एटमोसफियर में, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है यहाँ पे शारजा में। आप आएंगे ना तो यहाँ पे आपको जो हवा है, एनवायरमेंट की एयर है, उसमें गंदी स्मेल आएगी है, क्योंकि आप चेक करें शारजा का जो एरिया है ना वो डेवलप्ड एरिया नहीं है, यहाँ पे लोकल लोग बहुत कम रहते हैं। यहाँ पे खाली आप देखेंगे जो लेबर्स लोग हैं और ऐसी जो शॉप्स हैं, आप देखें रोड पे देखें कितनी गंदगी है, कैसे भी कहीं भी कुछ भी फेंका है, प्रॉपर मैनेज नहीं है।
तो ये एरिया इतना डेवलप नहीं है शारजहाँ, तो यहाँ पे जो काम है ना वो भी वैसे ही होते हैं। तो अभी यहाँ पे पीछे साइड जो वेस्ट प्लांट होता है अपना, जो हम टॉयलेट्स का जो वेस्ट होता है गंदा, वो वेस्ट यहाँ पे ट्रक्स में लोड कर करके हर एक बिल्डिंग के जो ड्रेनेज टैंक है वहाँ से लोड कर करके वो प्लांट में लेके जाते हैं फिल्टर करने के लिए। सो यार गाइस, वो जो प्लांट की स्मेल है ना गंदी ड्रेनेज के, हमारे जो टॉयलेट की ड्रेनेज रहती है गंदगी, उसकी पूरी स्मेल शारजा में घूमती है। और इससे पहले भी हम लोग जब शारजा में आते हैं, हम लोग कभी भी कार का विंडो ओपन नहीं करते, क्योंकि आपने कार का विंडो ओपन किया कि ये स्मेल पूरी कार में भर जाएगी। और अभी मजबूरी में मुझे कार का कांच खोल के रखना पड़ रहा है, इसलिए मजबूरी में मुझे वो सुगंध लेनी पड़ रही है। सो देखते हैं भाई फटाफट आते हैं, तो फटाक से यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज ये बहुत ही गंदी स्मेल है और ये दिमाग में चढ़ रही है। तो फिर मैंने फुल एसी करके रखा है ताकि ठंडी हवा आती रहे, वो स्मेल को निकल जाए। सो देखते हैं जैसे ही भाई आते हैं फटाक से यहाँ से निकलते हैं। ऑलरेडी 7:30 हो चुका है और देखते हैं निकलते हैं, फिर दुबई का जो काम है वो सब खत्म करके फटाक से घर पे चलते हैं, फिर देखते हैं आप लोग को मैं अपडेट करता हूँ। शहर गाइज, मैं दुबई आ चुका हूँ और 10 बज चुके हैं, बाकी ये चेक कर सकते हैं ऐसा कुछ दुबई का माहौल है यहाँ पे। अभी फिलहाल मेरा जो काम था सब खत्म हो चुका है, मैं चलता हूँ घर पे फटाफट डिनर करता हूँ और मिलता हूँ आप लोग से घर पे। शहर गाइज, आज का डिनर आ चुका है, हम लोग ने बाहर से पार्सल लाया, हम लोग ने मतलब सुशांत भाई ने लाके रखा था, मेरे को बहुत लेट हो गया था। सो यहाँ पे पनीर है और ये जीरा राइस है। सो चलता हूँ फटाफट डिनर कर लेता हूँ, फिर देखते हैं।